हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। तो आज कोई सी बाइक राइड नहीं होने वाली है, आज संडे है, आज बहुत सारे काम हैं। आपको मैं बताता हूँ क्या क्या काम है। अगर आप देखोगे तो मेरा लैपटॉप, मैं दिखाता हूँ एक मिनट, मेरे लैपटॉप की सारी ड्राइव एकदम फुल हो गई है। तो इसके लिए मैंने कल एक हार्ड डिस्क खरीदी है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो कल हम लोग गए थे क्रोमा से हम लोग दो चीज़ लेके आए हैं। एक तो है ये मेरा WT का 1TB का हार्ड डिस्क। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये 1TB की हार्ड डिस्क है। बहुत ही स्लिक डिज़ाइन है, अच्छा है। कुछ कागज़ पत्र जिसको हम कभी पढ़ते नहीं हैं, केबल जो हमेशा काम आएगी। इसके अलावा हम लोगों ने लिया है एक शो प्रूफ पेडिंग करके, पता नहीं क्या है ये, एक केस लिया है इन शॉर्ट। तो ये केस है, स्ट्रॉन्ग है, ये कचरा सब दबा दो नीचे, फ्रेम में नहीं आना चाहिए। ये कैसे लगता है, अभी लगा के देख लेते हैं एक बारी, कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। USB 3.0 है। SSD अभी ज़रूरत नहीं था इसलिए SSD नहीं लिया, क्योंकि डेटा स्टोर के लिए चाहिए। तो आई थिंक इसमें भी काम हो जाएगा। माउस, ये कचरा, ये काम आएगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आज राइड इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आज बहुत काम है। एक बाइक का टेस्ट राइड लेना है, कुछ शॉपिंग करना है, शायद नेक्स्ट वीक। आज क्या है, आज 11 तारीख है ना, आज 11 तारीख है। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम लोग एक लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करना है। एक बाइक फाइनल करना है, तो बाइक की टेस्ट राइड चालू हो गई है। और ये माउस पैड भी चाहिएगा मुझको, माउस पैड आ गया। तो अब मुझे ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सब खाली करना है। मेरा फ़ोन पूरा फुल हो गया है, उसको खाली करना है। तो सब कुछ भरा हुआ है। चलिए, तो नहा धो के होगा तैयार। और मुंबई भयानक गर्मी हो रही है, देखिए 2 मिनट हुआ है मुझे रेडी हुए, और ये देखिए पसीना पसीना। चलिए तो निकलते हैं घर से और चलते हैं BMW के शोरूम पे सीधे। कुछ दूर चलते ही अगली गली में है BMW का शोरूम, जो कि है बस यहाँ से 100 मीटर दूर। साइक्लोमेट्री, ये थोड़ा सा रश जो ख़त्म होगा इसके बाद में, यानी मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है BMW का शोरूम, आप यह समझ सकते हो। तो ये है हमारी GS G310, जिसकी मैं टेस्ट ड्राइव लूंगा अभी। तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा दिखता है, गियर पोजीशन, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, टाइम, देन फ्यूल इंडिकेटर, ABS ऑन ऑफ, हेजार्ड लाइट, पेट्रोल रेंज इंडिकेशन, टर्न इंडिकेशन, बैटरी, इंजन एंड व्हाट इज इट आई डोंट नो। गाड़ी लुक वाइज तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। वाह, व्हाट अ बाइक, बहुत ही प्यारी बाइक है। यानी मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ इसको, लेकिन लग नहीं रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। आई कैन कंट्रोल वेरी इजीली, लिटरली, इफ यू सी ना,
बहुत प्यारी बाइक है यार ये तो। लाइक मैंने हिमालयन चलाई थी उसमें मेरे को इतना कंफर्ट नहीं मिल रहा था इतना ऐसा मिल रहा है, और जो इतना कॉन्फिडेंस में आया है ना आई डोंट नो क्यों, बट इट इज़ अ बिग बाइक, बट बैठते से इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। इफ यू सी मैंने यामा को भी फर्स्ट टाइम में इस तरह नहीं चलाया था। सेडलिंग के लिए थोड़ी सी हाइट कम है बट ऑनेस्टली क्या बाइक है यार ये। पिकअप है और क्या हैंडलिंग है, मैं मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई एडवेंचर टूरर बाइक चला रहा हूँ। हैंडलिंग लाइक आई नेवर सीन दिस टाइप ऑफ बाइक। मुझे लगा नहीं था कि ये सेकंड गियर पे देखिए क्या पिकअप है गाड़ी का, बहुत प्यारी है यानी यानी फर्स्ट टाइम पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब बहुत इतनी सही कूद रही है, इतना कॉन्फिडेंस मुझे मेरी बाइक में नहीं है ऑनेस्टली। जो कॉन्फिडेंस मुझे ये बाइक दे रही है ना अलग ही लेवल का है। जो पिकअप है बहुत सही यार, लुक वाइज बहुत मैसिव है बट हैंडलिंग में लाइक आपको ऐसे लगा कि आप एक डेली कम्युनिकेटर बाइक चला रहे हो। रुकावट के लिए खेल है, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है। तो प्रोग्राम अब तो प्रोग्राम में चेंज यूं है कि शॉपिंग हो गई कैंसिल क्योंकि हो गया टाइम बहुत ज़्यादा, तो अभी बन रही है चिकन बिरयानी, तो आज आप देखेंगे चिकन बिरयानी। ठीक है, तो चॉपिंग वगैरह सब हो गई है, चिकन मैरिनेट हो गया है। डिस्क्लेमर, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद कुछ दृश्य आपको आपत्तिजनक लग सकते हैं, तो अगर आप नहीं चाहते तो कोई इशू नहीं, फिर भी देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए चैनल में आगे। तो आपको मैं बता देता हूँ अगर क्या क्या हो गया है। मैरिनेशन ये चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, इधर अनियन फ्राई हो रहे हैं फॉर बरिस्ता, इसके बाद कुछ देर बाद हम लोग चावल को बॉईल करेंगे। अब इसको तो टाइम अभी आधा एक घंटा लगेगा। ये हम लोगों ने चिकन भी डाल दिया है सिकने के लिए, और इस साइड हमारा राइस हो रहा है। आइए पास से दिखाता हूँ, ये चिकन हम लोगों ने फ्राई के लिए डाल दिया है और इधर हमारा राइस बॉईल हो रहा है। तो आइए पास आइए, आपको दिखाता हूँ मैं लेयरिंग कैसे कर रहा हूँ मैं। ये एक राइस की लेयर डाल दी है, उसके बाद ये चिकन की लेयरिंग हम लोग कर रहे हैं। जो भी चिकन के पीस आपको डालना डाल सकते हैं, मैं तो सारे पीस डाल देता हूँ चिकन के। ओके, तो चिकन की लेयरिंग डन, और इसके ऊपर राइस डालना है। मुझे लग रहा है राइस थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मजाक मजाक में देखते हैं।
कितना आता है, अगर बचेगा तो फिर उसको कुछ और यूज़ कर लेंगे। राइस तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है पॉट के हिसाब से, ठीक है। बाकी का राइस को देखते हैं, सुबह कुछ करेंगे। ये देखिए लेयरिंग कंप्लीट। अब करिए इसका ढक्कन बंद और भूल जाइए इसको 20 मिनट के लिए। चलिए तो अपनी बिरयानी हो गई फाइनली रेडी। 2-3-4 पता नहीं कितने घंटों की मेहनत के बाद में फाइनली दम बिरयानी रेडी है। अब खोलते हैं इसको और देखते हैं कैसी बनी है। बहुत ही अच्छी। चलिए मैं खाता हूँ बिरयानी, आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में। ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, राइड सेफ, बी केयरफुल। साइनिंग ऑफ सुभाष, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।